बेच रहे जाती है सावन माह में। वहाँ महाभारत काल के जो भगवान शिव के मंदिर हैं, उस मंदिर में जल अभिषेक किया जाता है। इस बार भी वो यात्रा विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकालेगी और जैसे ही वो यात्रा वहाँ पहुँची, कुछ तथाकथित इस्लामिक जिहादियों द्वारा उस यात्रा में पत्थर, गोलियाँ, पेट्रोल बम तक चलाए गए और लगभग 100 से ज्यादा जो गाड़ियां वो क्षतिग्रस्त अभी तक हो गई हैं और लगभग जो कैजुअल्टी है 10 से ज्यादा जो लोग वो शहीद हुए हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो इस्लामिक जिहाद है, इनको हम वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन बजरंग दल हथियार लेके उतर गया तो तुम्हें बचाने वाला इस धरती में कोई नहीं। इस तरह की कार्रवाई देखिए, अभी हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो मेवाड़ क्षेत्र जो है उसकी घेराबंदी की जाए, क्योंकि आज की डेट में जो मेवाड़ क्षेत्र है हरियाणा का, वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। तो जिस तरह से कश्मीर में हिंदू पलायन हुए थे, ऐसा ही मेवात में करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि वहाँ घेराबंदी करके जो जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सरकार को दोषी मानती है आपकी सरकार? देखिए, वो सब ज्यादा दोष जो है वो इंटेलिजेंस का है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ सोया था। अगर उनको ऐसा देखा था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो उनको सरकार को आगाह करना चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है, हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मगर भाजपा के राज्यों में मणिपुर देख लो या हरियाणा देख लो ऐसा हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं जो ये हरियाणा में नूह में जो हिंसा हुई है, चली जाती है सावन माह में। वहाँ महाभारत काल के जो भगवान शिव के मंदिर हैं, उस मंदिर में जल अभिषेक किया जाता है। इस बार भी वो यात्रा विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकालेगी और जैसे ही वो यात्रा वहाँ पहुँची, कुछ तथाकथित इस्लामिक जिहादियों द्वारा उस यात्रा में पत्थर, गोलियां, पेट्रोल बम तक चलाए गए और लगभग 100 से ज्यादा जो गाड़ियां वो क्षतिग्रस्त अभी तक हो गई हैं और लगभग जो कैजुअल्टी है 10 से ज्यादा जो लोग वो शहीद हुए हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो इस्लामिक जिहाद है, इनको हम वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन बजरंग दल हथियार लेके उतर गया तो तुम्हें बचाने वाला इस धरती में कोई नहीं। इस तरह की कार्रवाई देखिए, अभी हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो मेवाड़ क्षेत्र जो है उसकी घेराबंदी की जाए, क्योंकि आज की डेट में जो मेवाड़ क्षेत्र है हरियाणा का, वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। तो जिस तरह से कश्मीर में हिंदू पलायन हुए थे, ऐसा ही मेवात में करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि वहाँ घेराबंदी करके जो जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सरकार को दोषी मानती है आपकी सरकार? देखिए, वो सब ज्यादा दोष जो है वो इंटेलिजेंस का है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ सोया था। अगर उनको ऐसा देखा था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो उनको सरकार को आगाह करना चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है, हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मगर भाजपा के राज्यों में मणिपुर देख लो या हरियाणा देख लो ऐसा हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं जो ये हरियाणा में नूह में जो हिंसा हुई है?